के चंद्रशेखर ठग ने कई पॉपुलर एक्ट्रेस को ठगी के पैसे से महंगे महंगे तोहफे दिए। बीते दिन जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली में ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है। आज बॉलीवुड की बेहद लोकप्रिय एक्ट्रेस नोरा फतेही भी दिल्ली की अपराध शाखा पहुंची हैं, जहां रिपोर्ट के अनुसार नोरा फतेही से ईडी की पूछताछ और दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की खुद की पूछताछ से मिले तथ्यों को लेकर एक खास इवेंट के संबंध में पूछताछ की गई है। बता दें कि नोरा इस इवेंट का हिस्सा साल 2020 के दिसंबर महीने में बनी थी। आज से पहले 2 सितंबर को हुई पूछताछ में भी अभिनेत्री से पूछा गया था। एक्ट्रेस नोरा के अलावा जैकलिन से भी बीते दिनों इस पूरे मामले में सवाल पूछे गए। सोकेस से मिले तोहफों को लेकर नोरा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। नोरा फतेही से पिंकी रानी के साथ आमने सामने बैठा कर सवाल पूछे गए। फिलहाल बीते 3 घंटे से बॉलीवुड बाला नोरा से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नोरा के साथ की जा रही आज की पूछताछ काफ़ी अहम होने वाली है। ईओडब्ल्यू नोरा फतेही से यह जानना चाहते हैं कि सुक्के चंद्रशेखर के अपराध के बारे में वह क्या जानती हैं। नोरा फतेही आज बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और डांस के बदौलत सभी के बीच अपना नाम बना चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमरस एक्ट्रेस आज दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सवालों का सामना करेंगी। एक्ट्रेस से आज पिंकी रानी के साथ बैठाकर बातचीत की जाएगी। 200 करोड़ की ठगी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में दोनों ही एक्ट्रेस के फैंस बड़े तादाद में हैं। सुक्के चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस को अपनी ठगी के पैसों से महंगे तोहफे दिए, लेकिन आज दोनों ही इस मामले में घिरती जा रही हैं। जैकलिन को तो ईडी ने मामलों में आरोपी के रूप में शामिल किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक के बाद एक केस से जुड़े शख्स से पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ एक्ट्रेस को भी सुकेश ने तोहफे दिए थे। इस मामले में नए नाम लगातार जुड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।